नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भागलपुर और बांका के सभी पोस्ट ऑफिसों में खुलेंगे CSC, जानिए एक ही छत के नीचे किन किन योजनाओं का मिलेगा लाभ। बिहार में गंडक का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा, तटबंध की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुजफ्फरपुर और गया रेलवे स्टेशन अब दिखेंगे स्मार्ट, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक की बहाली की अधिसूचना जारी करने को लेकर चल रहे आंदोलन के छठे दिन शनिवार को शिक्षक अभ्यर्थियों ने कारगिल चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य प्रारंभिक युवा शिक्षा संघ के बैनर तले हो रहे इस आंदोलन में राज्य के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी कारगिल चौक पहुँचे थे। शिक्षकों द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन से अशोक राजपथ समेत गांधी मैदान के इलाकों में भारी जाम लग गया। पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को धरना स्थल से हटने को कहा तो वे नहीं माने, तो इसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के बाद शिक्षक मौके से तितर बितर हो गए और इस दौरान करीब एक दर्जन से अधिक घायल हो गए। पुलिस ने मौके से 6 महिला अभ्यर्थी समेत 14 शिक्षक अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संघ के उपाध्यक्ष पीकू पाल तथा नितेश पांडे ने बताया कि सातवें चरण की प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से आंदोलन चल रहा था, लेकिन शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी धरना स्थल तक नहीं पहुंचे, जिससे शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी रोष है। भागलपुर बांका जिले के हेड पोस्ट ऑफिस, सभी 48 सहायक पोस्ट ऑफिस और सभी 440 ग्रामीण डाक घरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। कॉमन सर्विस सेंटर में पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, मोबाइल, DTH का रिचार्ज, बिजली बिल और LIC का प्रीमियम भी जमा हो पाएगा। यह व्यवस्था पोस्ट ऑफिस में पहली बार की जा रही है। अब लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बता दें कि भागलपुर और बांका हेड पोस्ट ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर बन गया है, लेकिन अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। सभी सहायक पोस्ट ऑफिस और सभी ग्रामीण डाकघरों में इस योजना की तैयारी शुरू कर दी गई है। दुर्गा पूजा के बाद से इस सेंटर की शुरुआत कर दी जाएगी। इस योजना से लोगों को काफी लाभ मिलेगा। अभी बिजली बिल जमा करने के लिए बिजली कार्यालय के काउंटर पर जाते हैं, पैन कार्ड बनाने में परेशानी होती है, LIC का प्रीमियम जमा करना है तो LIC काउंटर पर जाना होता है। अब LIC योजना का प्रीमियम भी इन पोस्ट ऑफिस में जमा होगी। इन सभी योजना में सिर्फ पैन कार्ड बनाने में 107 रुपये का चार्ज लगेगा। बिहार में बाढ़ का डर एक बार फिर से लोगों को सताने लगा है। वाल्मीकि नगर बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण सारण में रेवा के पास गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से अब महज 4 सेंटीमीटर नीचे है। सारण में गंडक नदी के खतरे का निशान 54.41 मीटर निर्धारित है, जबकि जलस्तर लगातार बढ़ते हुए 54.37 मीटर तक पहुँच गया है। नेपाल में लगातार बारिश होने तथा पानी छोड़े जाने के कारण विगत 3 दिनों में गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि शुक्रवार को वाल्मीकि नगर बराज से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा घटी है। यह आंकड़ा अब 2,06,000 क्यूसेक पर आ गया है, परंतु पूर्व में छोड़े गए ज्यादा पानी के सारण में पहुंच जाने के बाद अभी भी जलस्तर बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर के साथ साथ गया वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। मुजफ्फरपुर और गया रेलवे स्टेशन अब स्मार्ट दिखेगा। राज्यसभा सांसद एवं राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गया रेलवे स्टेशन के उन्नयन पर 296.32 करोड़ और मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन हेतु 442.01 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। दोनों रेलवे स्टेशन का टेंडर अवार्ड कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर और गया रेलवे स्टेशन अब वर्ल्ड क्लास बनने वाला है। बृहत उन्नयन अंतर्गत रूफ प्लाजा, लाउंज, प्रतीक्षालय, शॉपिंग एरिया, कैफेटेरिया, वाईफाई, ATM, लिफ्ट, एक्सीलेटर आदि तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। मंत्री ने बताया कि स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए 5 सालों में 2915 करोड़ आवंटित किया गया है। जून 2022 तक 1,886.62 करोड़ व्यय भी हो चुका है। वहीं रेल मंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल 2022 तक बिहार में 66,597 करोड़ की लागत से 5,004 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 52 परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें 32 नई लाइन, 4 आमान परिवर्तन और 16 दोहरीकरण की योजना निष्पादित की जा रही है, जिसमें 1,240 किलोमीटर लंबाई का कार्य पूरा हो गया है और मार्च 2022 तक 21,038 करोड़ रुपये व्यय हो चुका है।
बिहार में सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत करीब 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए अगले महीने सितंबर के अंतिम सप्ताह से आवेदन लिए जाएंगे। छठे चरण की खाली पदों को सातवें चरण में भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि छठे चरण के सभी रिक्तियां सातवें चरण में शामिल की जाएंगी। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में रिक्त पद और सृजित पदों की गणना करके सातवें चरण में रिक्तियां जारी की जाएंगी। शिक्षा विभाग की मंशा है कि सातवें चरण में छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सातवें चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को घोषित करने में बड़ी तकनीकी बाधा छठे चरण की प्रक्रिया का अभी तक चालू रहना है। जब तक इस चरण में खाली रह रहे पदों का आंकड़ा पूरी तरह सामने नहीं आता है, तब तक सातवें चरण की नियोजन प्रक्रिया शुरू करने में तकनीकी बाधा सामने आ रही है। हालांकि विभाग ने सातवें चरण के नियोजन की तैयारियां शुरू कर दी है। मतदाता सूची में अब बेहद आसानी से नए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नए दिशा निर्देश के बाद बतौर मतदाता पंजीकरण कराने के लिए वर्ष में 4 मौके मिलेंगे। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर अर्हता तिथि के तौर पर मान्य होंगे। जिस तिमाही में नए मतदाता की आयु 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। 17 साल पूरी करने के बाद युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन की भी सुविधा अब शुरू हो गई है। उन्हें सिर्फ 1 जनवरी की अर्हता तिथि की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं रह गई है। अब से निर्वाचन नामावली प्रत्येक तिमाही में अद्यतन की जाएगी और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की पात्रता आयु पूरी कर ली हो। पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। बैंक में नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने पीओ भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बम्पर भर्ती के नोटिफिकेशन को बीती रात जारी किया गया है। जो भी लंबे अरसे से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट IBPS.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। IBPS द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए 6,432 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर सरकार पर हमलावर होते दिखे। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर अपने फेसबुक और ट्विटर पेज पर एक पोस्ट किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि यह अयोग्य सरकार देश की आय को बढ़ाने की बजाय देश की संपत्ति बेच रही है। ऐसा देखा गया है कि राजद नेता तेजस्वी यादव अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से बेरोजगारी, महंगाई समेत अन्य मुद्दों को उठाने का काम करते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने इस बार भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था देश की सबसे गंभीर व ज्वलंत समस्या है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार जन सरोकर के इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। यह अयोग्य सरकार देश की आय बढ़ाने की बजाय देश की संपत्ति बेचकर युवाओं एवं आम जनों को भ्रमित कर कितने दिन काम चलाएगी। बिहार के 23 जिलों में मतदाता सूची में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। इस बाबत चुनाव आयोग की ओर से नवंबर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में वैसे जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा जहां लिंगानुपात कम है। राज्य का जनसंख्या अनुपात 918 है, जबकि मतदाता सूची का लिंगानुपात 904 है। इसे देखते हुए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लिंगानुपात में हर हाल में सुधार होना चाहिए। राज्य के सिर्फ 15 जिले ऐसे हैं जहां की मतदाता सूची में जेंडर रेशियो आदर्श है, जबकि 23 जिले ऐसे हैं जहां की मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या औसत रूप से पुरुषों से कम है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि आयोग के निर्देश को सभी जिलों तक जारी कर दिया गया है। बिहार में अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है। ये बहाली अक्टूबर महीने से दानापुर में शुरू होगी। 7 से 23 अक्टूबर तक होने वाली भर्ती कार्यालय दानापुर स्थित चांदमारी मैदान में की जाएगी। बिहार के 7 जिलों में ये भर्ती होगी। इन जिलों में पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली शामिल है। खास बात यह है कि इस भर्ती रैली में महिला उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस रैली में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अक्टूबर के
बाद उम्मीदवार पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। 18 सितंबर से अभ्यर्थियों के ईमेल पर एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर दी गई तिथि पर बताए गए जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अगर आप इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें।